हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैथ फर्स्ट का वीडियो बनाई जा रही है, अध्याय 17 ये आपका चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है लघुगणक की अवकलन यानी लॉगरिथमिक, ठीक है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आज का टॉपिक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आज इस पर मैं काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें लॉग वाला फार्मूला सब यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लॉग वाला फार्मूले को ही सब देख लेते हैं जितने भी यूज़ होने वाले हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले फार्मूले को याद कर लीजिए और किस टाइप का होगा आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखिए जो फार्मूला होता है ये होता है लॉग यम के पावर यन, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है यन लॉग यम, अगर यन लॉग है तो इसको फिर ऊपर भी ले जाया जा सकता है, ऐसा होता है, एक फार्मूला हुआ। चलिए दूसरा फार्मूला होता है कौन सा, जैसे मान लीजिए लॉग आ जाए लॉग यम इंटू यन इंटू ओ, इस तरह से डॉट 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 इस तरीके से ढेर सारे मतलब क्रॉस में हो, तो इसको आप ये लिख सकते हैं लॉग यम प्लस लॉग यन प्लस लॉग ओ प्लस डॉट 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 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से दोस्तों तीसरा फार्मूला जो आपके लिए आ रहा है वो कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला ये है लॉग यम इंटू यन का, मतलब इसी को मैंने पहले लिख दिया लेकिन यम इंटू यन करके आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे ए लॉग यम प्लस लॉग एन आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं फोर्थ वाले फार्मूले की, तो दोस्तों जो फोर्थ वाला फार्मूला होता है लॉग एम बाई यन होता है, तो इसको आप लिखेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों इतनी फार्मूले हो गए, अब हम बात कर लेते हैं फाइव वाले फार्मूले की जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, मतलब सब फार्मूले को लगभग। जैसे मान लो लॉग इसके बेस ई लगा रहता है, ठीक, अगर लॉग बेस ए और बी हो जाए इनटू लॉग इसका बेस बी हो जाए और ए हो जाए तो इसका मान दोस्तों वन होता है, इसका याद रखना, ठीक है ना। देखो इसका बेस ए है इसका बेस बी है, लेकिन जो यहाँ पे बेस है उसका यहाँ पे और जो यहाँ बेस है उसका यहाँ पे लिखें तो इसका मान वन होता है। छठा फार्मूला आपके लिए ए रहा, छठा फार्मूला देख लो गाइस, छठा फार्मूला जो आपके लिए है ये है कि लॉग बेस ई है और ई है तो इसको हम मान लेते हैं वन, ठीक, होता है ऐसा। अब सातवें फार्मूले की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर लॉग यक्स यक्स है तो दोनों का बेस समान है, बेस और ये दोनों, तो वन हो जाता है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ ये होता है, यहाँ पर देखिएगा आठवें जो फार्मूला आते हैं ऐसा नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एम प्लस एन जो होता है ये क्या नहीं होता, एम प्लस एन इज नॉट इक्वल टू लॉग यम प्लस लॉग एन, ये दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बराबर। तो यही वो सात फार्मूले हैं जिसका हम लॉगरिथम मतलब लघुगणक की अवकलन में हम यूज़ करते हैं। चलिए हम एक पहले तो थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि कैसे करते हैं, यहाँ देख लो आपके बुक में दिया भी गया है। कहा जाता है देखिए अवकल गुणांक ज्ञात करना, चर राशियों दो या दो से अधिक फलनों के भागफल रूप में गुणनफल में दिया गया है, तो किस तरह से करते हैं, यक्ष में दिए गए फलन को वाई मान लेते हैं, दोनों तरफ वाम पक्ष मतलब ये लेकर के करते हैं, दोनों पक्षों में लाग वगैरह लेकर के ये सब काम देख सकते हो, लघुगणक लेकर कह रहा है तो इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ से मान आपका प्राप्त हो जाता है, यही चीज करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं, ठीक, बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो अभी सबको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे क्वेश्चन से ही। छोटा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो पहला क्वेश्चन दिया जाता है वाई इज इक्वल टू यक्स के पावर वाई और कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। देख लो इस फॉर्म में अगर दिखेगा तो समझ जाना ऐसा रहे या दूसरे टाइप कराए और वो सिंपली से हल ना हो पाए तो वहाँ समझ जाना लघुगणक वाला ही लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ दी गई है उसको लिख लो पहले, वी हैव गिवन, ठीक है ना, वी हैव गिवन, तो क्या हो जाएगा, अब वी हैव गिवन वाई इज इक्वल टू दिया गया यक्स के पावर वाई। अब इतना जब कर लिया तो आप लिखेंगे बोथ साइड्स मतलब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक ना, बोथ साइड टेक लॉग्स, ठीक ना, टेक हमने लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर वाई हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कौन फार्मूला यूज होगा, अभी सिंपल से नहीं हल होगा, तो यहाँ पे आप देखिए लॉग एम पावर एन वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, तो फिलहाल ये देखिए क्या हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स हो जाएगा, ये चीज़ देख सकते हो। अब क्या करना है दोस्तों, अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो देखिए क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इसको सेकंड मान लीजिए। अब देखिए इसको करेंगे log y का क्या होता है जब अवकलन, तो लिख लो बोथ साइड इंटीग्रेशन, लिख लो बोथ साइड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई का क्या होगा, वन अपॉन वाई, फिर वाई का जब पुनः होगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे यानी वाई पहला फलन, दूसरे का अवकलन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स,
प्लस दूसरा यानी लॉग एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो। तब इतनी चीज़ें जब आ जाती तो आपको क्या करना, सिंपल सा कि इधर वाला जो है ना, इस वाली चीज़ को इस बगल लेकर आओ, यहाँ से इसको ये बगल आओ, देख सकते हो वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस लॉग एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। जैसे इतना गाइस हो जाता है तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी कामन कर लेना है। तो देखिए मैं कामन कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जैसे हमने कामन कर लिया तो वन अपान वाई माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, इधर देख सकते हो इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब करोगे तो यहाँ पे देखो सिंपल, जब साल्व कर लोगे तो क्या बचेगा, इधर देख सकते हो इनटू में वन माइनस वाई लॉग एक्स और नीचे वाई बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ डी एक्स रहेगा वाई अपान में एक्स है, देख सकते हो। ये वाला जो वाई है गाइस आपका इधर चला जाएगा, ये वाला वाई किधर है, इधर आपका चला जाएगा। तो देख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्या जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और ये क्या जाएगा नीचे जाएगा, तो वाई अपान एक्स वन माइनस वाई लॉग एक्स। तो गाइस जो आपका आंसर है ना वो यही आपका हो जाएगा दोस्तों। यही चीज़ करनी होती है, लॉगरिथम का देख लो इसी तरीके से किया जाता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इससे सरल कुछ नहीं है, ठीक ना। बेसिक जो अवकलन है उसके बाद इसी का नंबर ही आता है। करना क्या होता है, जो देखो सिंपल से नहीं होगा, लॉग ले लो। अब लॉग लेने के बाद उसमें देखो कोई भी फार्मूला यूज़ हो सकता है, कोई कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लेकिन जनरली केस में हम जो गाइस यूज़ करते हैं वो इस टाइप के, हमने यहाँ गुणा वाला यूज़ कर लिया, अभी भाग वाला भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक दोस्तों होता है अनंत, देखिए हालांकि इस वाले क्वेश्चन को मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा, हालांकि ये अनंत करके होता आता है, तो जिसे क्या होता है कि उसमें इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन फिलहाल हमें दिख गया तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, फिलहाल आपको उसको सॉल्व करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है वो दिया वाई इज इक्वल टू यक्स के पावर यक्स पावर यक्स फिर पावर यक्स, ऐसे पावर बढ़ती गई, मतलब सबके पावर के पावर पावर के पावर इस तरह से बढ़ रहा है और अनंत तक जा रहा है दोस्तों। इस दशा में हम क्या करते हैं, हम लेट यानी मान लेते हैं y इज इक्वल टू यक्स अपान वाई। अब दोनों पक्षों में लॉग लीजिए और जो अभी क्वेश्चन जैसे हल किया उसी नियम के भांति हल कर दीजिए, कुछ उसी तरीके का वही चीज़ होती है, लेकिन अभी हम अनंत वाला और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी हमारा जो बेसिकली चल रहा है ना गाइस, वो देखिए क्या चल रहा है, जैसे देख सकते हो अगर हम बात करें दोस्तों अगले एक नए क्वेश्चन की, अगले आप नए क्वेश्चन की बात करो तो देखो एक सामने आपके क्वेश्चन आ रहा है ई पावर यक्स सेक यक्स, ठीक है, ई पावर यक्स सेक यक्स है और कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो और कितना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम मान लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे मान लेंगे वाई इज इक्वल टू यक्स ई के पावर यक्स सेक यक्स, e के पावर x से x हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, मतलब पहले लॉग लेंगे बोथ साइड लॉग, बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लॉग लेने पर लॉग y हो जाएगा इज इक्वल टू, देख सकते हो यहाँ पे लॉग हो जाएगा e पावर x लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बेस नहीं दिया, लेकिन हम दोस्तों बेस क्या मान लेंगे, यहाँ पे बेस ई हम मान लेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम आगे फेंक देंगे, देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा और ये जब आगे आ जाएगा यक्स यक्स है और क्या दिया था यहाँ लॉग नहीं यहाँ सेक दिया था, सॉरी गाइस यहाँ सेक एक्स दिया था, तो यक्स सेक यक्स हो जाएगा इंटू लॉग बेस ई और ये भी ई रहेगा, जब बेस कुछ नहीं दिया तो हम बेस ई मानते हैं और टेन भी मानते हैं, लेकिन इस केस में ई मानते हैं, ध्यान रहे उसके अकॉर्डिंग मानते हैं जो क्वेश्चन में कहेगा। तो अब हमने क्या बताया, इसका मान वन होता है ई का, तो देखियो वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो लॉग वाई इज इक्वल टू यक्स सेक यक्स। आप दोस्तों देख सकते हो इतनी चीज़ें। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप करोगे क्या फर्स्ट सेकंड लगा लोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे फर्स्ट सेकंड लगा दोगे, अब यहाँ क्या इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक ना, इंटीग्रेशन नहीं और सॉरी गाइस एक चीज़ यहाँ पे हो गया कि जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बोल दिया एक गलत कर दिया, ठीक है ना, यहाँ मुझे मतलब अगले याद आ गए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है दोस्तों कि यहाँ पे अवकलन करना पड़ता है, ठीक ना, अवकलन करने पर यहाँ लिख लेना अवकलन करने पर अवकलन, ठीक है, तभी मैं कह रहा था भाई कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो करते हैं अवकलन, क्योंकि अभी मैं थर्ड सेमेस्टर पढ़ा रहा था तो उसमें समाकलन थोड़ा यूज होता है इसलिए उसकी याद आ गई, लेकिन कोई बात नहीं मैंने अभी याद आया तो बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, अब देखिए जो लॉग वाई है आपको क्या करना अवकलन करना पड़ेगा, लिख लो दोनों पक्षों का अवकलन करना, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, अवकलन। अब देखिए जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं दोनों पक्षों का, लॉग वाई का क्या हो जाएगा वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट सेकंड यक्स सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स इंटू
टेन एक्स हो जाएगा। अब जैसे टेन एक्स रहता है प्लस, अब देखिए सेक एक्स का, सेक एक्स ऐसे ही रहेगा और यक्स का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है जो हमारा, देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स है। अब हम क्या करेंगे इस चीज़ को गाइस, देख सकते हो कि यहाँ पे जब आनी होती है चीज़ें हमारी, तो फिलहाल चलिए सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे डी वाई बाई डी एक्स, इसको सेक एक्स देखो कॉमन हो रहा था, कॉमन कर लो सेक एक्स, जब कॉमन हो गया तो यक्स यक्स इंटू टेन एक्स बचेगा, यक्स इंटू टेन एक्स प्लस वन बच गया, बटे में कितना बच गया वाई आ जाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं यहीं पे वाई आ जाएगा, ठीक है ना, इधर गुड़े में, इधर भाग में था इधर गुड़े में जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आ जाएगा क्या हो जाएगा, देखो वाई वाई का मान इन्होंने ये दिया है तो यही चीज़ रख लो, क्योंकि सब कुछ यक्स में करते हैं और वैसे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर, लेकिन रख दो ई पावर यक्स सेक एक्स, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स इंटू टेन यक्स प्लस वन आपके हो जाएंगे, कुछ इस तरीके के गाइस, देख सकते हो आंसर गाइस आपका यही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है अब आपको। इसी तरीके से गाइस ऐसे भी क्वेश्चन और भी होते हैं, जैसे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे कि मान लो गाइस एक बड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ इस बार, जो कि आपको भाग वाला टाइप का है जिससे आपके और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लो फोर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों फलन करके दिया गया है, तो वन अपान दिया गया है, यक्स प्लस ए दिया गया है, यक्स प्लस बी भी दिया गया है, एक्स प्लस सी भी दिया गया है, और कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन करके हमें बताइए, ठीक। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम माना कर लेंगे, मान लेंगे इसको वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू एक बटे में यक्स प्लस ए, यक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। तो दोस्तों ये चीज़ हम मान लेते हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड लॉग ले लेंगे, बोथ साइड लॉग, बोथ साइड जैसे हम लॉग लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा लॉग एक बटे में एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी आ जाएंगे, इतनी चीज़ें। अब दोस्तों जैसे इतनी आती है तो क्या यहाँ पर जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, लॉग यम बाई एन वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी क्या होता है लॉग ई वन हो जाएगा, लॉग ई वन हो जाएगा, देख सकते हो माइनस लॉग एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इंटू में सब चल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यक्स प्लस सी। अब दोस्तों इतनी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए जो आपका लॉग ई वन है, ठीक है ना, लॉग ई वन है, अभी देखिए लॉग ई वन अभी हम तोड़ रहे हैं, अभी अवकलन वगैरह नहीं किए हैं, तो अभी देखो ऐसे रहने दो। अब इधर देखो लॉग वाई है तो ऐसे रहने दो, लॉग ई वन है तो इसको भी रहने दो, लॉग ई वन तो देख सकते हो लॉग ई वन है माइनस। अब देखिए ये कौन सा फार्मूला, यम इंटू एन इंटू ऐसे ओ करके डाट डाट करके फार्मूला चल रहा है, तो क्या होता है सब प्लस में होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लगा है माइनस चिन्ह लगा, तो अंदर के सब चिन्ह माइनस में हो जाएंगे, यानी लॉग एक्स प्लस ए हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक, और माइनस लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों आ जाएंगे। अब क्या करेंगे अवकलन करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों का अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन जैसे हम करेंगे क्या होगा लॉग वाई का क्या होगा वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब इसका करोगे तो गाइस क्या हो जाएगा, इसका माइनस तो रहेगा ही, वन अपान में यक्स प्लस ए होगा, लेकिन यक्स का जब पुनः करोगे तो इंटू में वन हो जाएगा, फिर माइनस होगा वन अपान में यक्स प्लस बी होगा, जब इसका करोगे पुनः वन हो जाएगा, माइनस वन अपान एक्स प्लस सी है, जब पुनः करोगे तो वन हो जाएगा, इस तरीके से कुछ। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जैसे क्या हम माइनस वगैरह को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं और वाई को उधर भेज देते हैं, तो देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, वाई को हमने इधर भेज लिया तो ये पूरा अंदर बचा रहेगा, यानी यक्स प्लस ए हो जाएगा, माइनस प्लस ही रहेगा, वन अपान एक्स प्लस बी प्लस वन अपान एक्स प्लस सी, तो ये चीज़ें बिच जाएंगी। लेकिन दोस्तों वाई बराबर हमने देखिए यहाँ मान रखा है, तो इस चीज़ को ला के रख दो यहाँ पे पुनः, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई जो डी एक्स हमारा है वो हो जाएगा माइनस वन अपान में एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी, दोस्तों ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद ये वाला जो चीज़ है उसको लिख दो, एक्स प्लस ए प्लस वन अपान एक्स प्लस बी प्लस वन अपान एक्स प्लस सी, इस तरीके से दोस्तों आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे अब देखो अब इतने टॉपिक्स बता दिए जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लेकिन अब देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये छठा क्वेश्चन दिया है, तो दोस्तों इसमें इन्होंने क्या किया इसको देखो, u इज इक्वल टू क्या इन्होंने मान लिया साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ये वाला मान लिया, तो ये क्या होगा लॉग u इक्वल टू इतना हो गया,
अब दोस्तों इसका हमने क्या किया, इधर देख सकते हो वन अपान यू डेली यू हो जाएगा, इसका हमने क्या किया यहाँ से अवकलन कर लिया, ये चीज़ देख सकते हो दोनों तरफ अवकलन करने पर, फिर डी यू अपान ए आ जाएगा, फिर देख सकते हो यहाँ पे साइन पावर इतना हो गया, ठीक। फिर आप इसी तरीके से जैसे यू का आपने निकाल लिया, ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है वी का भी निकाल लेना है, तो वी का जैसे निकाल लोगे दोस्तों ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों जब ये चीज़ आ जाएगी तो आपको पता होगा कि अभीष्ट अवकलन क्या होता है, इस तरीके से दोनों का निकाल लोगे मतलब दोनों के पास जाएगा डेल यू प्लस डेल वी अपान डेल एक्स जाएगा, तो इस तरीके से इस फॉर्म में चेंज होंगे। अब देखिए दोनों के मान पता है, बस दोनों का मान रखोगे आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस कंडीशन में देखो ऐसे करते हैं, आपके सामने कुछ अभी देखिए दिखाऊंगा प्रश्न जो आप सॉल्व करोगे, जैसे देख सकते हो ये चीज़ें हैं, अभी एक दो इसमें से भी मैं सॉल्व करा दूंगा जिसपे आप प्रैक्टिस देख सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन है गाइस, जैसे कोसेक एक्स वाला देख सकते हो ये हो ही नहीं सकता, तो इसका दोस्तों कैसे करना मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे क्या करना है, वाई बराबर मान करके लॉग ले लेना है, इसको भी वाई बराबर मान के लॉग लोगे तभी आएगा, इसमें लॉग लोगे तो लॉग आ जाएगा, लॉग साइन एक्स होगा लॉग, और लॉग साइन एक्स का आप कर लोगे आसानी से, इसका भी उसी तरीके से, इसका भी ये भी ये भी, तो इसी तरीके से सब ऑलमोस्ट कर लोगे, ठीक ना। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो मैं बता दूँ इसको कैसे करते हैं, ध्यान देना। इसको सबसे पहले वाई मान लेना, इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले वाई मान लेना, जैसे ही दोस्तों वाई मानोगे तो ये लॉग यम अपान एन वाला फार्मूला लगेगा, यानी लॉग यम माइनस लॉग एन लग जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, अभी इसके अंदर भी इनटू में है, तो एक बार जो लॉग लिए रहोगे ना वो दोनों के मतलब देखो लॉग यम इनटू एन, फिर उसमें अब आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं रहेगी, तब आपको क्या करना रहेगा, जैसे कि छोड़ो यार मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए क्यों ना बता दूं। जैसे मान लो इस तीसरे क्वेश्चन है, देख लो इसमें तीन वेरिएबल है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, मतलब एक दो तीन चार ठो हैं, तो चार के लिए दोस्तों मान लेता हूँ मैं, देखो यक्स मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, यहाँ पे भी मानता है, यू मान लेता हूँ, देख लो उसी तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल बन गया। मैंने पावर सिर्फ नहीं लिए, उससे कोई डरना नहीं, मान लो पावर भी ले लेता हूँ, यहाँ दो ले लेता हूँ, यहाँ तीन लेता हूँ, यहाँ चार लेता हूँ, यहाँ पाँच लेता हूँ, इस तरीके से दोस्तों यहाँ चार लिया पावर, तो इस तरीके से हो गया। मैं इसको मान लूंगा वाई बराबर है, जब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या जाएगा, देख सकते हो लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जब लेंगे तो लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा लॉग वी के पावर फोर यू के पावर फाइव, ये चीज़ हो जाएगी। अभी देखिए समाप्त नहीं हुआ, अब आपको दोस्तों क्या करना है, देख सकते हो यम इंटू यन वाला फार्मूला लग रहा है, फिर से लगाओ लॉग, अब लगा कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख लो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा यम इंटू यन प्लस लॉग वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस लॉग वी के पावर फोर प्लस लॉग यू के पावर फोर, और यहाँ माइनस था भाई, ये माइनस, इसको ध्यान देना इस माइनस को। अब देखो यार अभी देखो जो एक्स है ना ये आगे की जंप करेगा, देख सकते हो यहाँ पे अभी यह स्पेस नहीं है, तो इधर ही थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो टू इधर जब चला आएगा तो टू लॉग एक्स हो जाएगा प्लस लॉग टू लॉग वाई हो जाएगा माइनस फोर लॉग वी हो जाएगा और प्लस फोर लॉग यू हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके का हो जाते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले को भी सॉल्व करना है। जैसे देखो अगर मैं बात करूं इसमें कितना, इसमें देखो लॉग ए एक्स वाला फार्मूला लगेगा तो लगा लेना, उसी तरीके से इसमें भी लग जाएगा, इसमें देखो नीचे दो ठो लगेगा ऊपर तीन ठो लगेगा, मतलब पहले तो ये वाला एम बाई एन वाला कर लोगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई में तीन ठो है तो तीन ठो कर लेना, बस सिंपल सा है। उसी तरीके से ये भी हो जाएंगे, कुछ उसी तरीके से ये भी हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और ये तो पता ही ये कैसे होता है, और इसका भी। अब चलिए हम एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं जिससे आपके दिमाग से डाउट्स खत्म हो जाए। जैसे मान लो हम पाँचवें का ही बता देना, देख सकते हो पाँचवा 2017 तक पूछा गया है और हम पाँचवा ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ही बताएंगे और इंपॉर्टेंट, तो आप सब कुछ क्वेश्चन देख ही लिए। चलो यार पेज को पहले पलट लेते हैं, पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो पाँचवा क्वेश्चन दिया था दोस्तों साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ये चीज़ दी गई थी, कह रहा इसका क्या निकालो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के बताओ, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलित करो और वो कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है, मान लिया हमने वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर कितना है कॉस एक्स है, तो आप क्या करोगे बोथ साइड लॉग लोगे, ठीक। तो लॉग जैसे लोगे गाइस तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो लॉग वाई हो जाएंगे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स हो जाएंगे। अब ये कॉस एक्स आगे जंप कर जाएगा तो देख सकते हो लॉग वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएंगे। क्या करने हैं, अवकलन करने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, देख सकते हो वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हो जाता है आपका इतनी चीज़ें, तो क्या फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट मान ले इसको सेकंड, तो पहला क्या होगा कॉस एक्स होगा, दूसरे का अवकलन करोगे लॉग एक्स मतलब लॉग साइन एक्स का क्या होगा वन अपान हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स का जब करोगे पुनः तो कॉस एक्स हो जाएगा, इतनी चीज़ें गाइस। अब इसके बाद क्या प्लस चिन्ह लगाते हैं, लॉग साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे
log sin x into cos x का करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाता है। कितना हो जाता है, ये चीज़ें बेसिकली सी आपकी आ जाती हैं। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देख सकते हो कि डी वाई बाई जो डी एक्स है ना, यहाँ पे वाई अभी पकड़े रहो इस तरीके से। अब यहाँ पे जब करोगे साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक ना, कॉट एक्स, कॉट एक्स कर लो यहाँ पे, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स कर लो भाई, प्लस यहाँ पे माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स कर लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जैसे इतनी चीज़ बताती है, y को उधर ले जाना तो ले जाओ भाई, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और y को यहाँ पे हमने ला दिया तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। अब जैसे इतनी होती तो y की जो वैल्यू थी उसको भी रख दो, यानी आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो y की वैल्यू जो थी वो था हमारा साइन एक्स के पावर, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉट एक्स हो जाएंगे इंटू कॉस एक्स हो जाएंगे माइनस साइन एक्स हो जाएंगे इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएंगे, कुछ इस तरीके का गाइस देख सकते हो यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना था, आपका आंसर ये हो जाता। आपके बुक में थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया यहाँ कॉस वगैरह कॉमन करके, लेकिन यहाँ छोड़ दोगे तब पर भी आपका आंसर सही कहलाएंगे। तो गाइस इस तरीके से कुछ हमने डाउट्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अगले वीडियो में हम स्पष्ट इम्प्लीट सीट फंक्शन के बारे में बताएंगे, जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कैसे करना है सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, दो चार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना कैसे लगते हैं, बस कंप्लीट हो गया यार। और देख सकते हो काफ़ी बार पूछा गया है चीज़, देख सकते हो 2017 2018 2016 यानी यहाँ भी इस साल भी आने के चांसेस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन, जो कि देख सकते हो जिस हिसाब से पूछा गया है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो सिर्फ मेथड क्लियर करना है और क्या करना है, वही 5 फार्मूले याद करने हैं जो अभी हमने शुरू में दिखाए हैं भाई, इधर बुक में दिया भी था, ठीक, यही फार्मूला आपको याद करना है, इतने फार्मूले याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर ले जाओगे नॉर्मली, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा बेसिकली यहाँ नहीं करने हैं, अगले वीडियो से यहाँ देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे, तो लाइक करना ना भूलें, नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोज़ बनती रहती है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि कल पेपर है 7 तारीख को, वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।